आइए अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएंगे। आप सब अपने दिलों में या ऊंची आवाज में दुआ कर सकते हैं। अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें कि उसने आज फिर हमें एक नया मुबारक दिन बख्शा, जब हम खुदावंद के घर में आकर उसके बेटे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सो बख्श खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें यह तौफीक बख्श दे कि हम इस पैगाम को हकीकी तौर पर समझ सकें कि हमारा मसीहा मसीह खुदावंद इस दुनिया में क्यों आए और उन्होंने अपनी जान क्यों दी। अपने आप को तैयार करें आज के पैगाम के लिए भी कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम इस मैसेज को दिल की गहराइयों से समझ सकें और अपने दिलों में इसको बंद कर लें और चलते उठते और जहाँ पर भी हम जाएँ खुदावंद के कलाम की हमें पहचान हो, हमें हर एक को जवाब देना आए और हम खुदावंद की पहचान में उसकी मोहब्बत में पढ़ते और तरक्की करते जाएं। अपनी कलीसिया के लिए हम दुआ करेंगे, एक एक खानदान के लिए कि खुदावंद खुदा हमारी कलीसिया में रूहानी तरक्की बख्शे। अगर कोई बीमार है तो आप नाम ले सकते हैं, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। खास तौर पर दुआ करेंगे हम अपने बुजुर्ग पास्टर बॉयस की वालदा मोहतरमा के लिए कि खुदावन अपनी बंदी को मुकम्मल तौर पर शिफा दे और उन सारे बहन भाइयों को याद रखें जिन्होंने यहाँ पर रहने के लिए अप्लाई किया है कि खुदावन खुदा इस मुल्क के दरवाजे उनके लिए खोल दे। भाई आइज़क को खास तौर पर दुआ में याद रखें कि वो जहां पर भी जाता है खुदावंद उसकी निगहबानी करे। दुआ करेंगे हम अपने कलीसिया के बच्चों के लिए जो दूसरे ममालिक में पढ़ते हैं या इस मुल्क में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। खुदावंद इन सारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, इन्हें अपने कलाम से रोशनाई अता फरमाए, इनको वाकफियत हो खुदावंद के कलाम की, ये खुदावंद के कलाम में उसकी पहचान में बढ़े। जिस तरह ये अपनी दूसरी पढ़ाइयों में तरक्की कर रहे हैं खुदावंद इनको अपने कलाम में भी तरक्की करने के लिए तौफीक बख्शे और खुदावंद हर बुराई से इनको बचाकर अपनी पनाह में रखे। अपने उन तमाम मसीही बहन भाइयों को याद रखे जो दुनिया में मसीही कहलाए जाने की वजह से सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, खुदा उन अपने बंदों की हिफाजत करे। अपने वतन पाकिस्तान हिंदुस्तान को याद रखे, अपने इस वतन स्वीडन को याद रखे। इनके लिए इनकी सलामती के लिए हम दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई अनिल से कि आप यहाँ पर आकर इन सारी गुजारशात को खुदावंद के सामने पेश करें। अब्दी खुदा खुदावन हमारे पिता खालिक और मालिक खुदावन बाप, सब कुछ जो कुछ भी यहाँ है सब तेरा दिया तेरा बना है खुदावन। तेरी मर्जी के लिए खुदावन तेरे दिल से धन्यवाद देते हैं तो तूने ठहराया कि हम जो गुनाह में पड़े हुए थे पिता परमेश्वर नजात पाए और एक बार फिर से ये मौका तूने बख्शा कि खुदावन तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के आने की पिता इस दिन को खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में दिया एक बार फिर से मना सके, इस बात को एहसास को खुदावन कि क्यों तूने उसे भेजा
इश्माइल को अपनी जिंदगी में जानने पाए। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं खुदा, इस लायक ना थे लेकिन ये तेरी आशीष थी, ये तेरी रहमत थी, ये तेरी बरकत थी कि तूने हमारे बेजा कामों को दरकिनार करके हमारी जिंदगी को फिर से एक बार इस लायक जाना खुदावन बाप, कि जिंदों की जमीन पे तूने जिंदा रखा रब बशारत के लिए खुदावन, हमें फिर से तू यहाँ लेकर के आया कि परिवार के स्वरूप में, एक कलीसिया के स्वरूप में खुदावन, जो कि तेरी दुल्हन है पिता परमेश्वर, हम तैयार होने पाए तेरे वचनों को जानने के लिए खुदावन, और अपने आप को, अपनी जिंदगी को, अपने घर को पिता परमेश्वर तैयार करने। दिल से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी तमाम उन आशीषों के लिए जो तूने पूरे साल भर हमें रखी, हमें दी खुदावन बाप, जितना कहें उतना कम है खुदावन। अगर जिंदगी में कुछ है तुझे देने को तो सिर्फ शुक्रगुजारी है खुदावन, जो हम तेरे पास लाते तुझे देते हैं खुदावन। एक एक जन, एक एक परिवार खुदावन जो तूने यहाँ दिया है, यहाँ तूने लेकर के आया पिता परमेश्वर, ये ऐसे ही नहीं होगा खुदावन बाप, ये तेरी मर्जी थी कि एक बड़े और जलाली काम को तू करे खुदावन, सबको यहाँ लेकर के आया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, बहुत आया से एक एक परिवार को, एक एक खानदानों को, एक एक जन को, एक एक घर को खुदावन, एक एक बच्चे को, एक एक जवान को खुदावन, अपने लिए बहुत आया से इस्तेमाल कर खुदावन, अपनी आशीष और बरकतों, नियामतों की जिंदा गवाही बना खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इबादत के लिए खुदावन, जब तू हमें एक साथ फिर से मिलकर बैठने को कहता है खुदावन, चाहते हैं खुदावन तू हमारे बीच में हो, उतरा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सब के साथ हो, हर एक बंदा जो यहाँ बैठा है, हर एक जन जो यहाँ बैठा है खुदावन, तेरी अगुवाई को और तुझे महसूस करने पाए पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों में और अपने पास खुदावन, के पाक रूह से सब भर जाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन को, तेरी बातों की गहराइयों को समझने पाए, और जो कुछ भी हमारा गाना बजाना खुदावन, वचनों का पढ़ा जाना, सुना जाना, सब तेरी मर्जी के अनुसार तुझे पसंद आने वाला हो खुदावन, इस तरीके से खुदावन इस काम को अंजाम दे पिता परमेश्वर। खुदावन बाप प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम बीमारों के लिए खुदावन, जिस किसी कारणवश पिता परमेश्वर तेरी मर्जी में हो करके इस वक्त खुदावन दुआओं के द्वारा तुरंत खुदावन बाप तुझसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, एक एक को चंगाई बख्श खुदावन, एक एक को चंगाई बख्श खुदावन, तेरे नाम से, तेरे कह देने से पिता परमेश्वर हो जाता है, यकीनन खुदावन तू यहोवा राफा है खुदावन, तू छू देता है पिता परमेश्वर, अंधे चलने लगते हैं खुदावन। पास्टर की मामा को खास रीति से आपके हाथों में देता हूँ खुदावन, जब उनसे हम जुड़े हैं खुदावन, अपने जलाली काम को उनकी जिंदगी में भी करके खुदावन, अगली गवाही उनकी जिंदगी के द्वारा तेरे जलाली काम की हो पिता परमेश्वर, जब हम उनके बारे में सुने और जाने तो सिर्फ और सिर्फ तुझे धन्यवाद दें खुदावन, तू उन्हें उठा और खड़ा कर खुदावन, तमाम उन बीमारों को खुदावन आपके हाथों में देता हूँ, अपनी चंगाई पिता परमेश्वर अपनी रिहाई में बख्श। तमाम जवानों के लिए खास रीति से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिन्हें तू यहाँ लेकर के आया खुदावन बाप, उन तमाम घरों के लिए, उन तमाम परिवारों के लिए खुदावन, जिन्हें आप यहाँ लेके आए किसी मर्जी के कारण खुदावन, उनके मनों में, उनकी जिंदगी में जब आपने ये काम बशारती करा खुदावन, ये ऐसे ही नहीं है खुदावन, यकीनन ये तसल्ली उनकी जिंदगी में सिर्फ आपके द्वारा है खुदावन, तो अपने घरों के दरवाजे पिता परमेश्वर, वो तमाम अड़चने खुदावन जो कुछ भी उनकी जिंदगी में है खोल दे पिता परमेश्वर, होने दे खुदावन बाप, जो काम अभी तक रुके हुए हैं वो अंजाम पे पहुंचे खुदावन, और हम सब पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंटे तुझे देने खुदावन, भाई जहाँ को खुदावन खास रीति से उस बच्चे को आपके हाथों में देता हूँ खुदावन, उसे सिर्फ अगर हमने जाना तो इस घर में पिता परमेश्वर, और खुदावन दोबारा जब देखे तो सिर्फ इस घर में देखे खुदावन, हम जानते हैं तू करता है खुदावन और तू करेगा पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है खुदावन उस बच्चे को, जब इस किसी चीज की आस है वो तेरी है खुदावन, हमारे दुआओं की है खुदावन, यकीन हम जानते हैं तूने कर दिया है पिता परमेश्वर, एक ऐसी जिंदगी हो उस बच्चे की खुदावन देखे, और हम लोगों से कहें खुदावन बाप ये वो जिंदगी है जिसे खुदावन ने बचा लिया है सिर्फ उसके विश्वास पे खुदावन, यकीन खुदावन उस बच्चे के साथ अपनी अगुवाई रखिए, हर घटी कमी को दूर कर दीजिए खुदावन, उसके लिए रास्तों को खोलिए खुदावन बाप, पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने तमाम बच्चों के लिए खुदावन, जो अपनी मर्जी में हो करके खुदावन, जो नींव तूने उनके अंदर डाली है तू यहाँ उन्हें लेकर के जाता है पढ़ने के लिए हर जगह खुदावन, जब हमसे तो दूर है लेकिन तेरे करीब है खुदावन बाप, उनको छू ले तमाम दुनिया की टेम्पटेशन से, तमाम बुराइयों से खुदावन, उन्हें अगवा करा